हाय दोस्तों, मेरा नाम अमीर है और मैं टेक्निकल अमीर चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेडमी नोट 5 प्रो का चार्जिंग सोल्यूशन कैसे करना है। अगर आपका प्लस में या आपकी चार्जिंग स्ट्रिप में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका चार्जिंग नहीं होता है, तो आपको जम्पर के तरीके से उसको कैसे सॉल्व करना, आज ये मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है और मेरे पास एक स्ट्रिप है। ये है रेडमी नोट 5 प्रो की मॉड्यूल है ये दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो का। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इसका, हम लोग जब चार्जिंग पिन ख़राब हो जाती है तब हम इसका कैसे सलूशन करेंगे, कि जब हम रिप्लेसमेंट भी करके देख लेते हैं चार्जिंग का, पूरा पत्ती भी बदल के देख लेते हैं, बट चार्जिंग नहीं होता है, तो हमें इसमें क्या सलूशन करना है, आज वो मैं बताऊंगा आपको, कि आपको कैसे चेक इन करना है और आप कैसे इससे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पावर सप्लाई देंगे तो हमारा चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा और चार्जिंग अच्छे से होने लगेगा। तो दोस्तों, ये चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आज मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पिन है पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमें लगा लेना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसमें से प्लस और माइनस तो पता नहीं है कि कौन सा है, तो हमें मल्टीमीटर ले लेना है और हमें कंटिन्यूटी पे रख लेना है। ये हो गया मल्टीमीटर, और इसे हमें कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, ठीक है। अब इस पर हम चेक करेंगे, रेड प्रोब को हम या तो GND या तो कोई भी पत्र पे रख लेंगे, ठीक है, और उसे हम चेक करेंगे। तो उसे हम चेक करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसे चेक करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 4.66 आ रहा है, मतलब ये साइड का प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बीप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसके लिए माइनस है और ये प्लस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4.66 आ रहा है, ये प्लस साइड है, ठीक है, प्लस साइड है। तो हमें क्या करना है, अब हम चार्जिंग पिन निकाल के आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेना है, ऐसे 20 पे सेट करना है, ठीक है। ये जो 20 है इस पर हमें मल्टीमीटर सेट कर लेना है, और ये आपका रेडमी नोट 5 प्रो का मॉड्यूल है, ठीक है। ये मदरबोर्ड है और ये उसकी स्ट्रिप है। तो हमें अब कैसे चेक करना है, आपको 20 पे इसको सेट करना है, ठीक है, 20 पे सेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस साइड है जो, उस पर एक पिन ऐसा रखना है, ठीक है। देखिए, प्लस पे रेड वाला प्रोब रखना है, कि जो इसका पिन का, जो चार्जिंग पिन का प्लस साइड होगा उस पर हम लोग को रेड वाला पिन रखना है, और ब्लैक वाले से हम लोग को चेक करना है। तो आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो 5 डॉट बने इसमें से जो पहला डॉट होगा, यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट की रीडिंग बताएगी, मतलब पावर सप्लाई रहता है जैसे जो जम्पर मार दे। तो हमें यहाँ से जो रेड प्रोब है इसको प्लस पे रखना है, और उसके बाद इसको प्लस पे रखना है, और इसको हमें ब्लैक वाले से चेक करना है। तो आपको मीटर में 5 पॉइंट या 4 पॉइंट की रीडिंग बताएगी इस पे, ये वाले, ये जो गोल बॉल है GND का, ये प्लस रहता है दोस्तों। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक जम्पर मारेंगे तो आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों चार्जिंग का। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप प्लस साइड से ही लेकर एक जम्पर, यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसके ये साइड में जहाँ पे ये पिन है उसका वही वाला साइड में मारना, ये प्लस साइड होगा दोस्तों। आपको मल्टीमीटर से जब 20 पे आप रख के सेट करेंगे तो आपको ये GND बॉलिंग पे, और यहाँ के ये जो कैपेसिटर है ब्राउन कलर का, इसके इस साइड पे आपको रीडिंग बताएगा। दोनों पे 5 पॉइंट या 4 पॉइंट समथिंग कुछ रीडिंग बताएगा, तो आपको इन दोनों पर एक जम्पर मार देना है। चाहे तो आप इस पे भी एक पे मार सकते हैं, या तो इस पे एक पे मार सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो एक लंबा जम्पर लेके यहाँ पे एक और यहाँ पे दोनों पे, इन तीनों पे सट के भी मारेंगे तो भी दोस्तों आपका सलूशन हो जाएगा। बट पहले आपको
पिन को रिप्लेसमेंट करना है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसके बोर्ड में अगर कोई तकलीफ है, स्ट्रिप में, पूरे स्ट्रिप में कोई तकलीफ है तो इसको चेंज करके देख लेना। फिर भी आपका सॉल्व नहीं होता है चार्जिंग का, तो आपको प्लस से लेके ये बोल पे एक जम्पर मार के चेक करना है, अगर आपका सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस कैपेसिटर पे डायरेक्ट यहाँ से लेके प्लस से लेके इस कैपेसिटर की इस साइड में रीडिंग आएगा दोस्तों, वहाँ पे एक मार लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ से इस प्लस से लेके इस पे लेना है और फिर यहाँ पे लेना है इस कैपेसिटर में, इन तीनों पे एक बार मार देंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, 100% वारंटी है दोस्तों। ऐसा करके देखिए आपका जो रेडमी नोट 5 प्रो है मॉड्यूल, उसका आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम हट जाएगा, या चार्जिंग बैटरी में नहीं चढ़ रहा है या ज़्यादा पावर सप्लाई हो रहा है, तो इससे आपका एक मीडियम से करंट जो रहेगा वो सप्लाई करेगा और आपकी बैटरी भी अच्छी चलेगी, बैटरी भी चार्जिंग होगी, चार्जिंग पिन में भी कोई डैमेज नहीं आएगी दोस्तों। तो इसलिए आपको ऐसा जंपर का सलूशन करना दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय दोस्तों।